हेलो हाय फ्रेंड्स, आज आपको दिखाएंगे कि दाल फ्राई कैसे करती है। स्टेप्स में पहले दाल को धुल के कुकर में चढ़ा देंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे, जितना आपको नमक खाना होता है उसके अनुसार ही नमक डालते हैं, और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे तो उसको चढ़ा देंगे। जब तक उसको चढ़ाएंगे पकने के लिए प्याज टमाटर मिर्चा और धनिया इसको काट लेंगे। काटने के बाद दाल पक जाएगी। इसको कढ़ाई चढ़ा करके इसमें तेल डाल करके प्याज को भून लेंगे जब तक ब्राउन ना हो जाए। जब तक प्याज ब्राउन होगा तब तक मसाले ऐड कर देंगे। मसाले देखिए, गरम मसाला थोड़ा सा डालेंगे बस टेस्ट के लिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। आपने ऐसी दाल फ्राई कभी खाई नहीं होगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। अब प्याज ऐड हो गए हैं, अब इसमें मिर्चा और टमाटर डाल दिया जाएगा। अब इसी के साथ में मसाले भी ऐड कर दिए जाएंगे जैसे ये थोड़ा सा पक जाएगा। थोड़ा सा जैसे ये पक जाता है उसमें मसाले ऐड करने हैं। उसके बाद आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि और अच्छे अच्छे डिशें मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। मसाले सारे ऐड कर दिए हैं, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए और जले नहीं। बस इसमें धनिया भी ऐड कर देंगे, 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसमें दाल फ्राई जो आपकी पक चुकी है वो डाल देंगे। दाल आपकी फ्राई होने के लिए तैयार हो जाएगी। 10 मिनट तक इसको बस पकाएंगे, 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे गैस में बंद करके। जैसे ही 10 मिनट के बाद इसको खोलेंगे तो हमारी दाल फ्राई तैयार हो चुकी होगी। अब इसको निकाल के खाने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी दाल फ्राई बनी, आप भी ट्राई करके बताइएगा।